समुद्र तटहा, इसमें समुद्र तट में बताया गया है, इसमें टीर मिट्टी के टीरों के बारे में बताया गया है, इसमें लोगों के बारे में कहा गया है। तो देख दे एषः समुद्र तटः, यह क्या है, समुद्र तट है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, समुद्र तट है। ठीक है ना, देखिए यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छति, आगच्छन्ति, यानी कि यहाँ पर सभी जो पर्यटक हैं वह आते हैं। ठीक है ना, केचन तरंगे कीड़ा कीड़न्ति, और यहाँ पर जो तरंगे हैं वो क्या करती हैं, कीड़ा करती हैं। ठीक है ना, आपस में तरंगे खेलती हैं। केचन च नौभा भी जल विहारम कुर्वन्ति, और यहाँ पर नौका में भी लोग क्या करते हैं, जल विहार करते हैं। ठीक है ना, जो पर्यटक जो आते हैं यहाँ पर, क्योंकि और वो यहाँ पर क्या करते हैं, तरंगों के साथ यानी लहरों के साथ खेलते हैं और नाव में जल विहार भी करते हैं। ठीक है ना, तेषु केचन कुंदे कुंदकेन क्रीडन्ति, और इसमें कुंदकेन यानी कंदुओं से और उनसे भी खेलते हैं। बालिका बालकः च बालुका भी बालुका गृह रचयन्ति, बालक बालिका क्या करते हैं, बालू से मिट्टी से, मिट्टी से क्या करते हैं, उसको बालुकाई यानी कि बड़ा सा मिट्टी का जो है ना वो पर्वत सा वहां पर समुद्र के किनारे पर बनाती हैं। ठीक है ना, बालू ग्रह यानी कि बालू का टीला या बालू का ग्रह। ठीक है ना, उसके बाद में मध्य 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 तरंगा बालुका ग्रह प्रवायंती, और कभी कभी बीच बीच में जब वो बच्चे बालक बालिका उस टीले को बनाते हैं तो समुद्र की जो लहरें हैं वो आकर के उनके टीले को बभा करके क्या करती हैं, ले जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में देखिए ऐसा कीड़ा प्रचलति एवं, ऐसी क्या है कि बार बार वो बच्चे उस टीलों को बनाते हैं और लहरें आकर के उसको बवा करके ले जाती हैं। ऐसा क्या होता है, ऐसा बार बार चलता रहता है, ऐसा खेल बार बार के कीड़ा यानी खेल, ऐसा खेल क्या होता है, बार बार चलता रहता है। ठीक है ना, मत न समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानी, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान है, अत्र मत्स्य जीवनम अपि स्वजीविकाम चला, और यहाँ पर जो मछली है उसके जो जीवन से स्वजीविका भी लोग चलाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मछलियों से भी अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर बच्चे वो टीले बनाते हैं और उन टीलों को समुद्र की लहरें ले जाती हैं, और यहाँ पर एक पर्यटक स्थल है, और इसके बाद में वो यहाँ पर इसमें मछली रहती हैं, और इसमें जो अपने जीवन की जीविका चलाने के लिए जो मछुआरे हैं वो भी इन मछलियों से अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए अस्माकं देशे बहव समुद्र तटा सन्ति, यानी कि अस्माकं हमारे देश में बहुत से समुद्रों के किनारे हैं, बहुत सारे समुद्र हैं। ठीक है ना, एतेषु मुंबई गोवा कोची यानी कि मुंबई में, गोवा में, कोची में, कन्याकुमारी में, विशाखापट्टनम में, पुरी तटा और पुरी में भी है, और अतीव प्रसिद्धा संति, ये सारे जो है जो तट है वो हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी पर्यटक के भ्यम समधिकम न रोच समधिकम रोचते, गोवा जो समुद्र गोवा तट का जो गोवा तट जो है वो विदेशी पर्यटकों के क्या है, समधिकम यानी कि अच्छा उनको रोचकर अच्छा लगता है, वो विदेशी पर्यटकों के समान बनाया गया है तो वह उनको अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए
विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा। और विशाखापट्टनम जो समुद्र तट है वो वैश्विक वैश्विक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कोची तट नारिकेल फलेप्य ज्ञायते। और कोची जो तट है वो नारियल के और केले के फल के लिए क्या है जाना जाता है, वहां पर नारियल और केले के फल होते हैं। मुंबई नगर से जहू तटे सर्वे जना स्वरम। और मुंबई का जो तट है उस पे सभी जन क्या करते हैं वो विहार करने योग्य है, वो देखने में क्या लगता है बहुत अच्छा लगता है मुंबई का जो तट है, ठीक है। उसके बाद में चेन्नई नगर से मेरीना तट देश सागर तटेशु दीर्घतमः। और चेन्नई का जो चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो कैसा है देश में सबसे बड़ा तट है, सब सागरों का सभी सागरों का सबसे बड़ा क्या है वो सबसे दीर्घतम यानी बड़ा तट है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए भारतस्य त्रिशेषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। यानी कि भारत में भारत देश में त्रिशेषु दिशासु समुद्र दिशासु यानी तीन दिशाओं में समुद्र तट हैं। दिशासु का मतलब दिशा दिशा तीन, ठीक है ना। और समुद्र तटा यानी कि समुद्र के तट हैं, समुद्र तट है, ठीक है ना दोस्तों। संति यानी कि समुद्र के तट है। इसके बाद देखिए अस्माद एव कारणात भारत देशा प्रायद्वीप की कथते। इन्हीं कारणों से हमारा जो भारत देश है उसको हम प्रायद्वीप भी कहते हैं। इन्हीं कारणों से के हमारे भारत देश के तीनों दशाओं में क्या है समुद्र है, इसी कारण से हमारे भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पूर्व दिशाया वागडोर पर सागर, यानी पूर्व दिशा में कौन सा है बांगोपसागर है जो वो कौन सी दिशा में है वो पूर्व दिशा में है। दक्षिण दिशाया दक्षिण दिशा में कौन सा है हिंद महासागर। दक्षिण दिशा में जो है वो क्या है हिंद महासागर जो है वो दक्षिण दिशा में है। और पश्चिम दिशा च अरब सागर, और हमारे देश की पश्चिम दिशा में जो है वो कौन सा है अरब सागर है। यानी पूर्व दिशा में बंगोप सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और उसके बाद में पश्चिम दिशा च अरब सागर। और पश्चिम दिशा में हमारे देश में जो है वो अरब सागर विद्यमान है, ठीक है ना। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणाम् संगम कन्याकुमारी तटे भवति। और इन तीनों सागरों का संगम जो है वो कन्याकुमारी जो है वहां पर तीनों सागर आकर के मिल जाते हैं, वहां पर इन तीनों सागरों का संगम होता है कन्याकुमारी के तट पर, ठीक है दोस्तों। अत्र पूर्णमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। और यहाँ पर पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद चंद्र को देखते हैं सभी लोग। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद क्या करते हैं चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का जो हमारा ये पाठ था इसमें हमने हमें समुद्र के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में समुद्र तट कौन कौन से मतलब स्थान पर स्थित हैं, और हमारे देश में समुद्र तट कितनी दिशाओं में स्थित हैं, और हमारे देश में समुद्र तट का क्या क्या मतलब इसमें कौन कौन सा समुद्र तट हमारे देश के लिए लाभदायक है, किसमें पर्यटक घूमने आते हैं, कहाँ पर वैश्विक व्यापार होता है, और कहाँ पर नारियल और केले के फल यहाँ पर उगते हैं, और हमारे देश में तीन दिशाओं में समुद्र तट बना दिए बताए गए हैं जिससे इनके कारण ही हमारे देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।